मोदी टीम की जाबाद शेरनी विधाई का 13 दिन तक पैदल चलकर दूर दराज के गांव में पहुंची विधायिका, अरुणाचल प्रदेश की महिला विधायिका जिनकी बात हम कर रहे हैं, द सांगलू पुल। पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई सरकारी योजनाओं का ग्रामीणों तक लाभ पहुंचे और उन्हें शिक्षित करने के प्रयास में 13 दिन तक चलती रही द सांगलू पुल। अरुणाचल प्रदेश में जैसा कि हम जानते हैं हरियाली और पहाड़ है, इस वजह से काफी बार ऐसे भी जगह है जहां पर सफर करना हो तो चलकर ही करना पड़ता है। देखिए द सांगलू पुल पे आधारित ये विशेष रिपोर्ट। मोदी टीम की जाबाज शेरनी विधायिका 13 दिन तक पैदल चल दूरदराज के गांव में पहुंचने वाली ह्यूलियांग की महिला विधायिका दासंगलू पुल। दासंगलू पुल अरुणाचल प्रदेश भाजपा की राजनीतिज्ञ है। वह 2016 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में ह्यूलियांग से चुनी गई थी। वह उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कलिखो पुल की पत्नी है। पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई सरकारी योजनाओं पर ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए कुछ इस तरह सफर किया विधायिका दासंगलू पुल ने। महिला विधायक श्रीमती दासंगलू पुल ने 26 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 7 नवंबर तक अपने निर्वाचन क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों को दूर दराज के गांव तक पहुंची। इसमें कुल 13 दिनों तक पैदल यात्रा का सफर रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई सरकारी योजनाओं पर ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने के लिए इस तरह उनके पास जाकर गांव वालों से मिले। 30 बैठकों का आयोजन किया और 100 से अधिक गांव के लोगों से बातचीत की। ऐसा नहीं है कि पहली बार द सांगलू पुल आपको नजर आ रही है। ये वो विधायिका है जो सदन में भी अपने लोगों के लिए निरंतर आवाज उठाती रहती है। आप ये दृश्य भी जरूर आपको देखना चाहिए। बहुत सारा लोग का कंप्लेन है कि हर समय जब असेंबली होता है तो औरत लोग कोई नहीं बोलता है। एप्लीकेशन जल्द से जल्द हो जाने से मेरा अंजाव का वासियों को बहुत खुशी होगा। 2 साल बच्चों का स्कूल ऑनलाइन हो रहा है, उसमें मेरा 3 या 4 सर्कल में ही बीएसएनएल का मुश्किल से बात हो पाता है, उसमें हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता है। 2017-18 में जब हम लोग पीएचडी के प्रपोजल्स देते थे तो उसमें अमाउंट जो था ज्यादा था, तो धीरे धीरे करके हर साल कम 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 करके ये होते गया। गुड आफ्टरनून ऑनरेबल स्पीकर सर। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइटोज लाइव। धन्यवाद। जय हिंद।